वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स को। अब प्री स्टूडियो में हमने नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट को पढ़ा था और उसमें जो ये ड्रग्स हैं आइनोट्रॉपिक ड्रग्स पॉजिटिव वो कहाँ पे फिट हो रही थी और का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हो रहा था। अब हमने पढ़ा था कि ये तीन कैटेगरीज में होती हैं, ठीक है। एक वो जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं, वो कौन सी हैं? डोपामिन एंड दो ब्यूटामीन, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होती हैं, उनमें हमने मिलरिनोन को देखा, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखा था, और उसके अलावा हमने देखा था कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये तीन कैटेगरी होती हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स की। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में जो होती हैं वो डिजिटेलस होती है, इसको डिजिटेलस भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो डिजॉक्सिन, ठीक है, एंड दी, ठीक है, डिजॉक्सिन अभी तक याद करें आप, डिजॉक्सिन होती है। इसको इसकी कैटेगरी हम देखेंगे और कौन सी ड्रग्स हैं। अब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका हमने देखा था मैकेनिज्म एक्शन कैसे था, थोड़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या करती हैं, बीटा वन को स्टिमुलेट करती हैं, वो साइक्लिक एमपी को इंक्रीज़ करता है। साइक्लिक एमपी क्या करती है? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज क्या करती है? एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं उनकी फास्फोरिलेशन और उनको एक्टिवेट करती है, कैल्शियम अंदर आता है और कॉन्ट्रैक्टाइलिटी इंक्रीज होती है। और फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर जो हैं वो साइक्लिक एएमपी के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करते हैं, तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाती है, प्रोटीन काइनेज बढ़ जाएगी, तो उसके अलावा एल टाइप कैल्शियम चैनल की फास्फोरिलेशन और कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगी, कंट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दो को करते हैं इस लेक्चर में। अब पहले अगर हम बात करें एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की, दो ब्यूटामिन की, ठीक है। तो दो ब्यूटामिन क्या है? अब दो ब्यूटामिन जो है वो सिलेक्टिव बीटा वन होती है, सिलेक्टिव बीटा वन, बीटा वन सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, और इसकी जैसे क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। ये हमने मैकेनिज्म देख लिया, इंक्रीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये कैसे करेगी वो हमने देख लिया, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। और ये आप याद रख लें, जो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक्स ड्रग्स होती हैं वो सारी जो यूज़ होती हैं वो इन द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होती हैं, मतलब अक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए हम इनकी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे और हमारे कार्ड जो हार्ट फेलियर के सिम्टम वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, अक्यूट मैनेजमेंट में। एक्सेप्ट जो डिजॉक्सिन है, ठीक है, डिजॉक्सिन हम मेंटेनेंस में भी दे सकते हैं कि पेशेंट हार्ट फेलियर का है और उसको हम मेंटेन करते हैं तो उसमें हम डिजॉक्सिन दे सकते हैं। बाकी जो सारी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो जो डोब्यूटामिन है वो क्या क्यों कैसे देते हैं हम, वो एज आई वी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, आई वी इन्फ्यूजन देते हैं इन द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, या हार्ट फेलियर में, ठीक है। अब डोपामिन की अगर मैं बात करूं, डोपामिन, ठीक है, अब डोपामिन डिपेंड करता है डोज पे, वो सिलेक्टिव है डोपामिन रिसेप्टर के लिए भी, डोज पे डिपेंड है, वो बीटा पे भी एड करती है, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो जो डोज होता है इसका 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से वो जो सिलेक्टिव है फॉर द डोपामिन रिसेप्टर से, और उसके जैसे क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन खास करके किडनी में, ठीक है, रीनल डायलेशन होती है। और अगर इसका डोज मैं रखूँ 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से, तो ये सिलेक्टिव होती है बीटा वन से, तो जब बीटा वन से सिलेक्टिव होगी तो ये क्या करेगी, सिलेक्ट कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। अब टेंस के बाद वो अल्फ़ा से सिलेक्टिव हो जाती है और फिर कंट्रैक्शन, तो फिर वो हमारे काम की नहीं, बट हमें ये जो है ये इतना डोज देना है, ठीक है, जैसे वो बीटा वन सिलेक्टिव रहे और हमारा जो डिज़ायर फंक्शन है वो अचीव हो, मतलब कि कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो। ये भी एज आई बी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। और ये तो हो गई। अगर तीसरी ड्रग्स की मैं बात करूँ, जो फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर हैं, फास्फोडाइस्ट्रेज स्पेशली जो टाइप 3 है, ठीक है, उसके इनहिबिटर्स होती हैं ये इनहिबिटर्स। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें मिलरिनोन है, मिलरिनोन जो बुक में लिखी हुई होती है, और एम्बलरिनोन भी होती है, बट आप मिलरिनोन जो लिखें जो बुक में हमारे लिखी हुई है। ये क्या करती है, साइक्लिक एमपी को ब्रेकडाउन को कम करती है और हमारा एमपी बढ़ जाता है, साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा, प्रोटीन काइनेज है, फिर वो लीड टू फास्फोलेशन ऑफ द एल टाइप कैल्शियम चैनल को करेगा, फिर कैल्शियम अंदर आएगी और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन होगा, ठीक है, कंट्रोल को इंक्रीज। अब इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ कब होता है, ये भी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में यूज़ होती है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में यूज़ होती है, एज अ आई वी यूज़ होती है, ठीक है, इन द अक्यूट, ठीक है, अक्यूट हार्ट फेल्यूर में।
मतलब कि जो कार्डिक जो आइनोट्रॉपिक ड्रग्स है ना वो अक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ होती है ना। अक्यूट हार्ट फेलियर की जो मैनेजमेंट है वो ऐसे है कि आप पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स दें और उसके अलावा आप क्या दें, डायूरेटिक्स देते हैं। ठीक है, जो डायूरेटिक्स हमने पढ़े थे वो अक्यूट में भी यूज़ होते हैं और क्रॉनिक में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स अभी हमें पता चल गया कि ये किस में यूज़ होती हैं, इन द मैनेजमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट इन द अक्यूट फेज में। ठीक है, एक्सेप्ट डिजॉक्सिन जो लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब हमने ये दो कर ली। अब जो मेन क्लास है उनकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जिसमें डिजॉक्सिन है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम सेपरेट बनाएंगे वीडियो। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।